में शादी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पुलिस निगरानी में एक हिंदू युवती और मुस्लिम लड़के की शादी की रिसेप्शन पार्टी संपन्न करवाई जा रही है। हालांकि उनकी शादी से घर वालों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदू संगठनों ने इस शादी पर आपत्ति जताई है और विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस दौरान विरोध कर रहे करीब 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मामला सिविल लाइन क्षेत्र के एक कॉलोनी का है, जहां की रहने वाली एक हिंदू लड़की और बिजनौर का रहने वाला एक मुस्लिम लड़के को शादी की रिसेप्शन पार्टी आयोजित की जा रही थी। इस दौरान समारोह में शादी कार्ड भी वितरित किया गया, जिसमें दोनों के नाम लिखे हुए थे। इस विवाह की जानकारी हिंदू संगठनों को जैसे ही हुई, वहां वह मौके पर पहुंच गए और विवाह का विरोध शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और हिंदू संगठनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने, जिसके बाद पुलिस ने मौके से शादी का विरोध करने वाले करीब 50 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं एसपी सिटी के मुताबिक समारोह के सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी दली की रिपोर्ट। गौरव भटनागर, प्रांत संयोजक बजरंग दल, पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ प्रांत। एक लड़की जो आकाश गिरीन में रहती है, शिवांगी अग्रवाल, 3 वर्ष पहले उसकी शादी एक अय्यूब नाम के मुस्लिम व्यक्ति से हो गई। निकाह पढ़ा गया, धर्म परिवर्तन हुआ, नाम बदल कर दूसरा रख दिया गया। 3 साल बाद आज वैलेंटाइन डे के दिन, जब देश में इतना हानि का, इतनी हिंसा का माहौल है, आज इसे हिंसा में भड़काने के लिए, शहर में दंगा भड़काने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए एक दावत का आयोजन किया जाता है। उस दावत के कार्ड बांटे जाते हैं। जिस लड़की ने 3 साल पहले अपना नाम परिवर्तन कर लिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, वह लड़की 3 साल वाले कार्ड छपाती है, उस पर नाम लिखती है शिवांगी अग्रवाल। हमारे साथ वैश्य समाज के लोग हैं, जिन्होंने हमसे निवेदन किया कि अग्रवाल नाम लिखने से हमें आपत्ति है। हम लोग आकाश ग्रीन के जो मालिक हैं महेश अग्रवाल, उनके पास गए, शांतिपूर्ण तरीके से उनसे कहा कि ऐसे गंदगी फैलाने वाले लोगों को अपने जो फ्लैट हैं वहाँ से निकालिए, उनको यहाँ से निष्कासित कीजिए, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं की गई। हम शांतिपूर्ण तरीके से आकाश ग्रीन जो फ्लैट है, जो सोसाइटी है, उसके बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता और हिंदू युवा वाहिनी, समस्त हिंदू संगठन कार्यकर्ता वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे और उसे एक सत्संग का आयोजन कर रहे थे, और उसमें हमें वहाँ से पकड़कर गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ इन पुलिस वालों से, जो ईदगाह में जो शाहीन बाग बना रखा है, ईदगाह में 2 महीने से ये लोग बैठे हैं, उनको आप मारकर क्यों नहीं भगा रहे, उनको पुलिस लाइन में क्यों नहीं ला रहे। आज हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हुए और एक शांतिपूर्ण तरीके से आपसे मांग कर रहे हैं, और आप ऐसे तरीके से खींच कर गाड़ी में भर कर लेके आते हैं। हमारे लोगों ने कहा हम अपनी गाड़ी से चलेंगे, हम मुस्लिम नहीं है, हमने कोई मर्डर नहीं किया, कोई दंगा नहीं भड़काया, लेकिन हमें इस गाड़ी में भर कर लाया गया, इससे हिंदू संगठन त्रास्त है, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए इस नाम को कार्ड पर छपाया गया है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब तक उसे यहाँ फ्लैट से नहीं निकाला जाता, जब तक हम यहाँ बैठेंगे और यहाँ से हम लोग प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे। जय श्री राम। आज एक लड़का लड़की जिनकी शादी हुई थी, आज उनका रिसेप्शन था, तो कुछ हिंदूवादी संगठन उसका विरोध कर रहे थे, दोनों अलग अलग धर्म से थे, ये जितने लोग भी विरोध कर रहे थे क्योंकि गलत काम कर रहे थे, इन सबको हिरासत में ले लिया गया, तथा जो इनका रिसेप्शन का प्रोग्राम था वो एज इट इज़ होगा, इनको पुलिस फोर्स भी इनके साथ रहेगी सुरक्षा दृष्टिगत, और एज इट इज़ इनका प्रोग्राम चलता रहेगा। सर, इसमें किसी की गिरफ्तारी? अभी मौके पे जितने लोग भी प्रदर्शन के विरोध कर रहे थे उन सबको हिरासत में ले लिया गया, थाने पे उनके पूछताछ कर विधिक कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। इनकी शादी हो चुकी है क्या? इनकी शादी हो चुकी है, आज इनका रिसेप्शन का प्रोग्राम था। सर, किस संगठन से थे ये लोग? अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जानकारी जैसी होगी और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई पूरी करी जाएगी। कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? अभी मौके पे लगभग 50 से 60 लोग थे, सभी को हिरासत में ले लिया गया, थाने पे विधिवत कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।